combustion reaction. The reaction in which a substance combines with oxygen to produce heat and light is called combustion reaction. वैसे वैसे chemical reaction जिनमें substance oxygen के साथ combine करके heat और light produce करते हैं, वैसे वैसे chemical reactions को combustion reaction कहते हैं। When carbon burns in oxygen, carbon dioxide is produced with the emission of heat and light. अगर हम combustion reaction का example देखें, तो carbon जब oxygen के presence में burn होता है, तो carbon dioxide release करता है और साथ ही साथ हीट और लाइट भी रिलीज करता है। इस केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। अगर कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, या यूं कहें कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और साथ ही साथ एज अ बाय प्रोडक्ट हीट एंड लाइट रिलीज करता है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन इन ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ कंबसन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, वैसे वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग के वजह से बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग लेसन 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उस वक्त हाइड्रोकार्बन को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होगा ये भी एक कंबसन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और इस रिएक्शन को हम एक इक्वेशन से समझते हैं। मीथेन, जिसे हम केमिकली CH4 लिखते हैं, CH4 मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है। जब यह मीथेन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, या जब मीथेन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। इन दोनों के अलावा हीट एंड लाइट भी रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। यानी कि हम इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात स्पष्ट कर सकते हैं कि कंबसन रिएक्शन में हीट और लाइट रिलीज होते हैं। इस तरीके से यह कहना बिल्कुल सही होगा कि कंबसन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होता है। रेस्पिरेशन इज अ स्लो कंबसन रिएक्शन इन विच glucose present in our body cells combines with oxygen to provide energy. This energy is required by us to stay alive. Respiration के बारे में
हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन एक ऐसा स्लो कंबशन रिएक्शन होता है जो हमारे बॉडी में होता है, जिसमें ग्लूकोज जो कि हमारे बॉडी के शेल में प्रेजेंट रहते हैं, उस ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये हमें जिंदा रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस केमिकल रिएक्शन को हम एक इक्वेशन से समझते हैं। ग्लूकोज जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, जब ये कंबाइन करेगा हमारे बॉडी के सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, और इस रिएक्शन के बाद ये रिलीज करेगा CO2, H2O एंड एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम CO2 को फॉर्म करते हैं, और ये वही CO2 होता है जिसे हम एक्सहेल करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, वो बॉडी के सेल्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और एनर्जी भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है, यूजफुल है, इसी की वजह से हम सारे वर्क को कर पाते हैं। इसीलिए इस एनर्जी का भी कंजप्शन बॉडी के द्वारा किया जाता है। थस रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आई होप आज के वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे और आपको कंबशन रिएक्शन समझने में बहुत हेल्प मिला होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।